हेलो फ्रेंड्स, एच डी एम्पायर लर्निंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं निधि स्वत्स आपके लिए लेकर आया हूं 10 इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आज दिनांक 26/7/2019 को। तो आइए देखते हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के क्या क्या हैं। आप इनको देखते रहिएगा और एक मिनट पॉज करके अपना आंसर पहले खुद देने की कोशिश करिए, और यदि आप नहीं बना पाते हैं तो जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तब आप उसकी तरफ बढ़िएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज आर नॉट चेयर्ड बाई स्पीकर। आपके ऑप्शंस हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पसेस कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो पड़ेगा आपका सी। जी हाँ, सी क्यों है, सी में आता है 1, 3 और 6। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी सबसे पहली कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीसरी कमेटी है एस्टिमेट कमेटी, और छठी वाली जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। देखिए, जितने भी कमेटी होते हैं उनका जो हेड होता है वो स्पीकर के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया जाता है उसका। लेकिन जो तीन कमेटी होती हैं, कौन कौन सी देखिएगा जरा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और आपकी जनरल पर्पस कमेटी, इन तीनों को स्पीकर जो होता है वो खुद हेड करता है। तो ये इसका सही आंसर है 1, 3 और 6, यानी कि सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा एंशियंट हिस्ट्री से है। ये कहता है, द वैदिक लिटरेचर इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, श्रुति एंड स्मृति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। श्रुति और स्मृति आपने नाम सुना होगा। दोस्तों, वेदों का ही जो एक नाम है वो श्रुति पड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है इनको लिखा नहीं गया था, बल्कि ये अपने गुरु के द्वारा वो ज्ञान था जो सुनते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो था ट्रांसफर होता आया। तो आइए देखते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। पहला वो कहता है कि स्मृति फिलोसफी स्टैंड्स इन डायरेक्ट अपोजिशन और कॉन्ट्रास्ट टू श्रुति फिलोसफी। तो ये तो अपने आप में ही खैर रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो स्मृति है हमारी, जो वेदों से जुड़ी हुई है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा श्रुति में भी मिलता है। और वो कहता है कि श्रुति इज कंसिडर्ड एटर्नल वेरेज, स्मृति इज सब्जेक्ट टू चेंज। ये बिल्कुल सही बात है, जैसा मैं बता रहा था कि सुनकर कमाया गया ज्ञान है। तो ये इसका जो आंसर है वो होगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मानसून चल भी रहा है उसी से रिलेटेड है। कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, हिंदी में आप इसको अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, पहला वो कहता है, द ITCZ इज ए जोन ऑफ कन्वर्जेंस एट द थर्मल इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स मीट, एक। दूसरा कहता है, इट इज ए लो प्रेशर बेल्ट एंड माइग्रेट्स विद द चेंजिंग पोजिशन ऑफ द थर्मल इक्वेटर। और तीसरा वो कहता है कि इन दिस जोन एयर टेंड्स टू डिसेंड। और चौथा वो कहता है कि अराउंड 20th June ईच ईयर द सन इज ओवरहेड एट 23.5 degrees साउथ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए, ये तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट है आप देख रहे होंगे, ये जो फोर्थ वन है, तो वैसे ही गलत हो गया आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है, सपोज ऐसे ले लेते हैं, ये इक्वेटर है जो 0 degree लेटिट्यूड पे होती है ना, ऊपर वाला हिस्सा इधर नॉर्थ पोल और इधर वाला जो है आपका साउथ पोल होता है। ये हमारी जो है ऊपर 23.5 degree नॉर्थ, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, यानी कि कर्क रेखा कहलाती है। और ये नीचे वाली जो रेखा होती है 23.5, ये साउथ पर जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होती है, यानी कि मकर रेखा होती है। तो वो जो कह रहा है कि 20 जून के करीब, तो 20 जून के यहाँ तो भारत में गर्मी पड़ती है, सूरज उत्तरी गोलार्ध में रहता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहता है, इस वजह से जो सूरज होगा वो ओवरहेड होगा किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यहाँ पे ना कि यहाँ पे। तो ये चौथे वाला तो ऐसे ही आपका कट जाता है। वो कहता है, इन दिस जोन एयर टेंड्स टू डिसेंड, जी नहीं, डिसेंड नहीं होती है बल्कि असेंड होती है, इसका जो सही जवाब है। तो आपका ये वाला भी जो है गलत हो गया। वो कहता है, इट इज ए लो प्रेशर बेल्ट एंड माइग्रेट्स विद इन द चेंजिंग पोजिशन ऑफ द थर्मल इक्वेटर। बिल्कुल सही बात है, ITCZ के साथ आप कुछ याद रखें या ना रखें, इस कीवर्ड को जरूर याद रखिएगा कि ये एक लो प्रेशर बेल्ट होती है, कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, और ये जैसे जैसे सूरज ऊपर से नीचे होता रहता है तो ये उसी के अनुसार ये भी ऊपर से नीचे नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर में मूव करती रहती है। तो ये इसका जो है सही जवाब है। और पहला ऑप्शन कहता था, ITCZ इज ए जोन ऑफ कन्वर्जेंस एट द थर्मल इक्वेटर वेयर द ट्रेड विंड्स मीट। बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसका आंसर हो गया आपका A, 1 और 2, इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग प्लांट डिसीज, पौधों में जो बीमारियां होती हैं उनको कौन कौन स्प्रेड कर सकता है, फैला सकता है। देखिए, बहुत आसान है, बर्ड्स, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, बर्ड्स बिल्कुल कर पाएगा। दूसरा, रेन, बारिश जरूर, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। डस्ट ब्लोइंग, विंड ब्लोइंग, यानी कि चारों के चारों इसका सही है, बहुत आसान जवाब था इसका, 1, 2, 3 और 4 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिवी पर्स वॉज ग्रांटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स ड्यू टू विच ऑफ दीज रीजन्स।
कहता है जो प्रीवी पर्स जिसको बाद में इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया था, ये प्रिंसली स्टेट्स को क्यों दिया गया था? पहला, दिस वाज ए पार्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज टू गेट प्रिंसली स्टेट्स ऑन बोर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नहीं इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी। देयर वाज अ रिवोल्ट इन द जनरल पॉपुलेशन विद द अपरूटिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स फ्रॉम द इंडिपेंडेंट इंडिया, जी नहीं गलत बात है। प्रिंसली स्टेट्स हैड सिग्निफिकेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड देयर इंटीग्रेशन वॉज प्रिसीडेड बाई एन एश्योरेंस दैट दे विल बी अलाउड टू रिटेन सम प्रॉपर्टी एंड बी गिवन सम गवर्नमेंट अलाउंसेस। और चौथा इसका ऑप्शन है कि प्रिंसली स्टेट्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए बहुत आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ, जब अंग्रेज सरकार भारत और पाकिस्तान दो मुल्क बना देती है तो जो प्रिंसली स्टेट थी, जो रियासतें थी, उनको तीन ऑप्शन देती है। एक, या तो आप भारत में शामिल हो सकते हो, दूसरा आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, और तीसरा आप चाहो तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। ज़्यादातर रियासतें जो हैं भारत में मिल जाती हैं, तीन रियासतों को छोड़कर, जिसमें एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी और एक आपकी जम्मू और कश्मीर की थी। तब ये जो रियासतें भारत में मिली तो जाहिर सी बात है ये एकदम से भारत में विलय होने के लिए इसलिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये जमींदारी जो प्रथा जो अंग्रेजों ने चलाई थी उसके हिसाब से इनके पास बहुत संपत्ति हुआ करती थी, और इनको ये डर था कि यदि हम अपना जो है अधीनता स्वीकार कर लेते हैं भारत सरकार की भी, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो तो खो जाएगा। तो सरकार ने इन्हें ये एक आश्वासन दिया था कि ठीक है काम करते हैं, आप कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी आपके पास रहेगी, सारी की सारी जो है सरकार को नहीं जाएगी। अच्छा, सरकार सारी प्रॉपर्टी लेनी क्यों चाहती थी? क्योंकि सरकार जो काम करना चाहती थी वो समावेशी विकास की तरफ काम करना चाहती थी, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, सोशलिज्म के मॉडल पर, समाजवाद मॉडल पर। इस वजह से सरकार इनकी सारी जमीन लेना चाहती थी, लेकिन बाद में इन्हें यह एश्योरेंस दिया गया कि ठीक है आप एक काम करो, कुछ प्रॉपर्टी आप अपने पास रख सकते हो और सरकार आपको बाद में भत्ते भी देगी। बाद में ये जो व्यवस्था थी ये इंदिरा गांधी ने खत्म कर दी थी, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एस्टिमेट कमेटी। वो कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा। वो कह रहा है कि इट सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा, इट एस्टिमेट्स द बजट बिफोर इट इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट, और इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। देखिए बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। पहली बात, जितनी भी कमेटियां बनेंगी वो ज्यादातर पोस्टमार्टम पर्पज के लिए यूज होती हैं, तो ये तो गलती है। बिफोर इट इज वोटेड से पहले पार्लियामेंट में कोई एस्टिमेट नहीं लगाया जाता, ये स्टेटमेंट आपका अपने आप में गलत है। दूसरा, इसमें 22 मेंबर नहीं होते, इसमें 30 मेंबर होते हैं, इसलिए इसका पहला और तीसरा गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए होती है, बिल्कुल सही बात है, इसका जो वो ऑप्शन है नंबर 2 ये सही है। और इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री जो भी पॉलिसी बनाती है उनको ही क्वेश्चन कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब हुआ वो हुआ दूसरा और चौथा, यानी कि डी। कैसे, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और भी दिखा देता हूँ। ये जब एस्टिमेट कमेटी बनी थी तब इसमें 25 मेंबर हुआ करते थे, और 1956 में इसकी मेंबरशिप जो बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। और ये भी याद रखिएगा कि 30 के 30 जो मेंबर हैं वो लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, जैन दर्शन के अनुसार किसने तो संसार का निर्माण किया और कौन इसको मेंटेन करता है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ला है, फेथ है या सोल है? तो बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं, यूनिवर्सल ला। देखिए गॉड के एग्जिस्टेंस में तो बिलीव ही नहीं करते थे, ना बुद्ध करता था ना जैन करता था। इनका मानना था कि कोई सार्वभौमिक कानून है, कोई विधि विधान है जिसने सब बनाया है, इसलिए इसका सही जवाब है यूनिवर्सल लॉ। अगला फैक्चुअल क्वेश्चन है, द पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, एमपी में है ये। तो ये तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेटोरियल काउंटर करंट्स आर यूनिक बिकॉज, वो यूनिक होती हैं क्यों? दे फ्लो इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सर्फेस विंड्स, दे सर्कुलेट फ्रॉम इक्वेटर द पोल्स अनइंटरप्टेड और देयर ट्रेवल स्पीड इज नॉट अफेक्टेड बाई द ओशन डेप्थ और दे आर द ओनली करंट टू बी सैंडविच्ड बिटवीन टू ईस्टवर्ड फ्लोइंग ओशन करंट्स। देखिए इस बात को फिर समझ लीजिए आप, बहुत आसान है। ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। करंट दो तरह की होती हैं, हवाएं हों या जलधाराएं हों, करंट इंग्लिश में करंट कहते हैं, हिंदी में जलधाराएं कहते हैं। जो भी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी वो गर्म होगी स्वभावतः, और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएगी वो ठंडी होगी, क्योंकि पोल पर बर्फ रहती है इस वजह से।
तो इसका जो सही जवाब है, दे फ्लो इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सरफेस विंड। जो हमारी सतही हवा होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये चलती है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कम एक्शंस कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट कहते हैं घाटे का बजट है, और अभी इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, एक एक देखते हैं। रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज और रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी। एक एक को देखिए, नीचे शुरू करते हैं। अगर रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी सही है तो क्या होगा? एक होता है आपका इम्पोर्ट यानी कि खरीदना, आयात। एक होता है आपका एक्सपोर्ट यानी कि बेचना, निर्यात। अगर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है तो इसका मतलब क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आयात करेंगे, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आयात कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो ये तो पर्पस सोल्व नहीं करता हमारा, तो ये तो बिल्कुल आपका जो है गलत हो गया है। दूसरा, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, बिल्कुल सही बात है, अगर आप सब्सिडी हैं उनको कम कर देते हैं या रैशनलाइज कर देते हैं उनका, तो बिल्कुल ये तो हेल्प करेगा, खर्चा ही तो घटाना है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स, नई नई वेलफेयर स्कीम हम चलाएंगे, सोच के देखिए, मनरेगा चलाने लगे, उज्ज्वला चलाने लगे, तो सभी योजनाओं में खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तो है ही नहीं, डेफिसिट बजट है, इसका मतलब ये तो हुआ कि पैसा कम है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा पर्पस सोल्व नहीं करेगा, ये भी आपका गलत हो जाता है। पहला है कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगर आपका जो एक्सपेंडिचर है उसको घटा दिया जाए, खर्चे को रेवेन्यू, बिल्कुल सही बात है, खर्चा घटा दिया जाना चाहिए, तो इसका हो गया आपका एक, और तीन केवल सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो दोस्तों ये थे आज के आपके 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन लेकर हम आते रहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते रहिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमें। धन्यवाद।